में कि ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है। अब बैंकिंग से रिलेटेड क्या होता है, नॉर्मली अगर किसी व्यक्ति को बोले तो वो ये बोलेगा बैंकिंग में क्या है, बोले कुछ भी तो होता नहीं, पर यहाँ पर बैंकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर चीजें क्या क्या बताने वाला हूँ उन सब चीजों को समझ लीजिए। पहली चीज तो मैं आपको बताऊंगा कि बैंकिंग से रिलेटेड कि बैंक की डिटेल कैसे डाली जाती है, साथ में हम बैंक के अकाउंट के बारे में, बैंक के चेकबुक के बारे में, साथ ही पीडीसी के बारे में, कैंसल चेक के बारे में, और ऐसी ही कई सारी छोटी छोटी चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले तो मैंने कंपनी बना ली और कंपनी के अंदर अब मैं क्या करने वाला हूं इसे हम लोग देखते हैं वन बाय वन कैसे हमें इसका उपयोग करना है। तो सबसे पहला हम यहाँ पर कर रहे हैं, पहली चीज हम जाएंगे यहाँ पर और हम बैंक की डिटेल डालेंगे। हमने यहां पर क्या किया, हमने डाला एक्सिस बैंक, जिस बैंक में कंपनी का अकाउंट है उसके लिए। दूसरी बात है, बैंक का ग्रुप हमेशा बैंक आएगा, तो ये बैंक लिया। यहां पर हम बैंक की वो सारी डिटेल डालेंगे जो हमें जरूरत पड़ेगी। एक मैंने एक बैंक का डमी अकाउंट नंबर डाला। फिर यहां पर आता है हमारा आईएफएससी कोड, हमने जो भी लेना है वो दे दिया, ये बैंक की तरफ से दिया जाता है। साथ में स्विफ्ट कोड भी बैंक तरफ से दिया जाता है। अब आता है ब्रांच, यहां पर हम लोग ये मैनेज कर रहे हैं कि हमारा एक्सिस बैंक में अकाउंट है और हमारा जो भी ब्रांच है, हमने यहाँ लिख दिया आनंद नगर भोपाल, ये हमारे बैंक के आ गए। अब यहाँ पर क्या होता है, दो बातें, एक तो बैंक के बारे में मैंने डिटेल डाली और बैंक से जो चेकबुक इश्यू होगी उस चेकबुक के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं यहां पर जाता हूं और मैंने यहां पर जाने के बाद जब मैंने बैंक से बोला कि मुझे चेकबुक चाहिए, तो बैंक ने बोला 10 की चाहिए, 25 की चाहिए, 50 की चाहिए कि 100 की चाहिए। मैंने बोला मुझे 25 चेक की चेकबुक चाहिए, तो मुझे बैंक से चेकबुक मिली है 25 चेक की, जो कि 01 से स्टार्ट हुई और 1 2 3 4 उसके बाद यहां पर 25 पे एंड हो गई। टोटल 6 डिजिट में हमारा होता है चेक नंबर, 25 टोटल चेक है। और चेक के ऊपर जब हम चेक को प्रिंट करें तो वहां पर इंडियन मोटर्स लिखा हुआ आएगा। यहां पर हम गए इंडियन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मतलब मैं चाहता हूं कि जब चेक बुक पर प्रिंट करूं तो वहां पर अगर ब्लैंक भी हो तो इंडियन मोटर्स नीचे प्रिंट हो। तो यहां पर हमारी चेक की सारी हम यहां पर डिटेल डालेंगे। तो ये हमारी बैंक की डिटेल हुई और ये हमने यहाँ पर चेक डिटेल हुई। इसी में हमसे कंप्यूटर पूछता है इनेबल चेक प्रिंटिंग। इनेबल चेक प्रिंटिंग का मीनिंग यहाँ पर ये होता है कि अगर आपकी चेक प्रिंट करें तो आप चाहें तो उस चेक बुक की साइज यहाँ सेट कर सकते हैं, जबकि बैंक में कितना चेक का साइज क्या है, हाइट कितनी है, लेफ्ट से कितना छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है, यानी कि हर एक चीज यहाँ पर आप अपना चेक जो आता है, क्योंकि देखिए हर बैंक का चेक का साइज अलग अलग होता है। अगर आपकी जो भी बैंक में चेक दिया गया है उसका साइज नाप के आप अपने प्रिंटर से चेक को प्रिंट कर सकते हैं, बट ये सेटिंग आपको थोड़ी डिफिकल्टी पड़ेगी। अभी मैंने यहाँ पर एंटर किया, तो मैंने सबसे पहली चीज कि अगर हम लोग बैंकिंग में जाएंगे तो पहली चीज जो हमने थी वो कंप्लीट करी, लाइक बैंक डिटेल एंड चेक डिटेल। चेक नंबर जो होता है वो 6 डिजिट में होता है, तो हमने वो भी कंप्लीट कर दी। अब हम बात करते हैं, चूंकि अभी हमें एक ऐसी कंपनी के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए मेरी कंपनी इंडियन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, और अगर मैं गाड़ी परचेज करता हूं तो उस गाड़ी के पीडीसी कैसे दिया जाता है, पोस्ट डेटेड चेक कैसे दिया जाता है, इसी में हर एक चीज को करीबन 5 to 6 HC कंटेंट है जो इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलने वाली। तो सबसे पहले तो मैं ये करता हूं कि भाई मैं अगर एक गाड़ी फाइनेंस करवाऊंगा तो सबसे पहले मेरे बिजनेस में मुझे कुछ कैपिटल की जरूरत है। तो मैंने यहां पर क्रिएट किया, सबसे पहले रिसिप्ट में एंट्री की जाती है, हमने यहां पर कर दिया ठीक है कैपिटल अकाउंट, और ग्रुप दे दिया हमने कैपिटल। ओके, हमने बिजनेस में 5 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट किया, डेबिट आ जाएगा यहां पर कैश। तो ये हुआ हमारा बिजनेस स्टार्ट करने की सबसे पहली एंट्री, यानी मैं एक कंपनी है, मैंने मेरे पास इंडियन मोटर्स नाम से, उसमें मैंने 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया। दिस इज माय फर्स्ट एंट्री, जो कि आपको बिजनेस में
बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगता है उसकी एंट्री की जाती है। सेकेंड हम चलते हैं कि अभी मुझे दो चीज बताना है, और वो दो चीज क्या है, आप बैंकिंग को देखेंगे ये डिपॉजिट्स में। अगर हम डिपॉजिट में दो चीज देखने वाले हैं कि आप अगर कैश डिपॉजिट करते हैं तो एंट्री क्या होगी, और चेक डिपॉजिट करते हैं तो एंट्री क्या होगी। तो देखते हैं हम यहां पर जाके, सबसे पहले हम अकाउंटिंग में जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट का मतलब हुआ कि मुझे सबसे पहले आपको बताना है कॉन्ट्रा एंट्री। तो जैसे मैं कॉन्ट्रा एंट्री पे जाऊंगा, मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो मेरे पास से गया, मैंने 1,00,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया तो ये आ गया। इसके बाद हमने यहाँ पर उस बैंक का नाम लिखा जिस बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट किया। एक्सिस बैंक में हमने डिपॉजिट किया तो 1,00,000 रुपये में 2,500 के 2,200 नोट्स थे, तो कुल मिला के 1,00,000। ये आपने अक्सर देखा होगा बैंक में जब आप पैसा जमा करने जाते हैं तो ये हमारी बैंक की स्लिप होती है। इस तरीके से मैंने एक एंट्री करी जिस एंट्री का मीनिंग होता है कि हमने बैंक में कैश डिपॉजिट जमा किया। नेक्स्ट एंट्री कैसे होती है, नेक्स्ट एंट्री की भाई मेरे को किसी कस्टमर से चेक मिला और उसे मैंने बैंक में जमा किया, किसी कस्टमर से चेक मिला उस चेक को मैंने बैंक में जमा किया। थोड़ी देर के लिए इस टाइप की एंट्री को हम रिसिप्ट में लेंगे। हमें राज ऑटो पार्ट्स खरगोन वाली कंपनी है जिसने मुझे एक चेक दिया, एडवांस दे दिया। अभी मैंने उसको माल नहीं बेचा पर उस कंपनी ने मुझे एडवांस चेक दे दिया मेरा डेटर से। मैंने डाला यहां पर कितना दिया, 75,000 रुपीज का मुझे उसने चेक दिया। उस चेक को मैंने न्यू रेफरेंस करा क्योंकि वो उसने एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, बट उसने चूंकि एडवांस दिया तो ये मैंने 75,000 रुपया 75,000 रुपीज मैंने उसके एडवांस जमा कर दिए और उस चेक को मैंने अपनी बैंक अकाउंट में जमा किया। उस अकाउंट चेक नंबर है उस बैंक का वो ये था 6 डिजिट में, और जिस बैंक का देखिए मेरा बैंक है एक्सिस बैंक, और जिस बैंक में मैं उनका चेक आया उस बैंक का नाम है केनरा बैंक। मतलब सामने वाला आपको किसी भी बैंक का चेक दे, आप हमेशा उसमें अपनी बैंक का नाम लिखे क्योंकि आप अपनी बैंक में जाओगे उस पार्टी का चेक जमा करके आ जाओगे। तो ये हुई हमारा, ये दो चीजें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। आप बैंकिंग में जाइए, यहाँ पर आप जाएंगे डिपॉजिट में जाइए, और जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर दो चीजें बताएगा। बैंक से रिलेटेड एक एंट्री थी 75 की, केस से रिलेटेड 1,00,000 रुपए की थी, तो आपको दोनों एंट्रियां यही दिख जाएगी। यानी कि आपकी डिपॉजिट से रिलेटेड जो एंट्रियां हैं, आपने 1 महीने 2 महीने 1 साल में केस कितना जमा किया उसकी डिटेल पूरी बताएगा। अगर आपने चेक कितने जमा किए उसकी डिटेल भी आपको यहां पर कंप्यूटर प्रॉपर बताते जाएगा। तो आपने एक चीज देखी होगी, यहां पर हमें चेक रजिस्टर मिला जिसमें टोटल 25 चेक है, अभी तक अनकाउंसिल्ड रिकाउंसिल्ड नहीं मिला, ब्लैंक भी नहीं है, टोटल अभी बचे हुए हैं। और जैसे आप एंटर कर रहे हैं उसके अंदर जाके तो चेक नंबर की सीरीज आपको 1 से लेकर 25 तक की दिख रही, जिसमें आपके पास टोटल 25 चेक्स अवेलेबल है। खुद ही आप देख लीजिए ये अवेलेबल है। अब चलते हैं अपन, चेक हो गया, डिपॉजिट हो गया, अब मेन चीज के ऊपर चलते हैं, पोस्ट डेटेड समरी। अभी आपके सामने कोई किसी को न तो आपने चेक दिया और ना ही किसी से फाइनेंस का चेक लिया। तो अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं किसी कंपनी से एक गाड़ी परचेज कर रहा हूं और उसे 60,000 की गाड़ी का 20,000 रुपए के 3 चेक देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर में गए। मान लीजिए आज 1 अप्रैल है और मान लीजिए मैंने किसी कंपनी से एक बाइक परचेस करी, एक्टिवा परचेस करी, तो यहां ध्यान से देखिएगा पार्टी नेम में आ गया सेठी हुंडा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये एक वो कंपनी है जिससे मैं अपनी गाड़ी फाइनेंस करवाने वाला हूं। अभी आप कंट्रोल ए बटन दबाएंगे, यहां पर आपने परचेस किया। अब आपने गाड़ी कौन सी परचेस करी, एक्टिवा 3G टू व्हीलर में गए,
कैटेगरी में हुंडा की है, यूनिट पे गए, पीसेस में गए, मतलब कुल मिला के मैंने अल्टर सी से आइटम डाला, एक्टिवा 3G अंडर टू व्हीलर कैटेगरी हुंडा यूनिट पीस करा मैंने, कुल मिला के मैंने सिटी हुंडा से 1 अप्रैल को एक्टिवा 3G परचेस करी, एक बाइक एक एक्टिवा परचेस करी जिसकी कॉस्ट थी 60,000, एंटर किया, ये आ गई मेरे पास। अब मैं आपको इसी के ऊपर ही कैसे PDC की एंट्री करते हैं वो आप मेरी स्टेप बाय स्टेप समझिए। मेरी फाइनेंस कंपनी से बात हुई तो उन्होंने बोला 3 किस्तों में आपको पैसा देना है, 20,000 के 3 PDC देना है। तो मैं तीनों PDC का चेक आज ही, मुझे कंपनी बोल रही आप हमें चेक दीजिए। तो सबसे पहला काम है आप पेमेंट बटन दबाएंगे, ये देखिए पेमेंट आ गया। उसके बाद आप यहाँ पोस्ट डेटेड बटन दबाएंगे, ये पोस्ट डेटेड लिखा हुआ आ गया। और इसके बाद आप पहला चेक दे रहे हैं 5वें महीने की तारीख का, 1/5 का, तो 1/5 मैंने यहाँ पर कर दिया। अब हम यहाँ पर चलते हैं, तो मैंने सेटी हुंडा को ये देखिए 60,000 अभी इसका बैलेंस दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर 20,000 का पहला चेक दिया। देखिए मैंने जब बेचा था तब न्यू रेफरेंस किया था, मैंने जब परचेस किया था तो न्यू रेफरेंस किया था। अब एडजस्टमेंट पे गया, उस 60,000 में से पहली इंस्टॉलमेंट 20,000 का PDC दे रहा है। कैसी किस बैंक का चेक दे रहा हूँ मैं, एक्सिस बैंक का चेक दे रहा हूँ 20,000 का। चेक की रेंज अपने आप आ गई, याद करिए मैंने फर्स्ट जब बैंक डिटेल डाली थी उस समय मैंने चेक की सीरीज डाली थी, 25 चेक्स अवेलेबल है। तो फर्स्ट नंबर का चेक फर्स्ट मई डेट डाल के मैं इश्यू कर रहा हूँ। यहाँ दो डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ये वो डेट है जो चेक पे लिख कर डाली है और ये वो डेट है जिस डेट को आप पार्टी को चेक दे रहे। तो मैंने क्या करा, 1 अप्रैल को गाड़ी परचेस करी और उसको पहला चेक दिया 5वें महीने का, और इसको यहाँ पर लिख दिया नॉलेज के लिए लिख दिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ टू व्हीलर, इतना करके आ गया, ये दिस इज माय फर्स्ट एंट्री। सेम 3 टाइम रिपीट करना है, अगेन पेमेंट तो ऑलरेडी आपके पास लिखा हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर जाने वाले हैं पोस्ट डेटेड, तीसरा मुझे डेट बदलना है तो F2। नेक्स्ट चेक दे रहा हूँ 7 मंथ का, किसको दे रहा हूँ, सेटी हुंडा को, कितने का, 20,000 का। अगेन यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट किया, एक्सिस बैंक का चेक किया, देखिए चेक नंबर अगर आप बदलना चाहते हो 1, 2, 3, 4, 5 और मैंने चेक नंबर यहाँ पर दे दिया 7 नंबर का दे दिया, 1 जुलाई का दिया, बट इश्यू डेट वही आ गई कि भाई आप जिस दिन पार्टी को चेक बना के दे रहे हो वह डेट कौन सी है। तो मैंने बोला वो डेट मेरी है 1 अप्रैल 2023। यहाँ पर मैंने कर दिया सेकेंड इंस्टॉलमेंट करा मैंने, या गया 2 हुआ। देन अगेन मैं 3rd पे चल रहा हूँ, फिर से मुझे क्या करना, ये मेरा पेमेंट वाउचर है तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, फिर से एक एंट्री और बाकी है। पोस्ट डेटेड पे गया, पोस्ट डेटेड पे करने के बाद F2 किया, नेक्स्ट मैंने कर दिया 1/9। अब किसको दे रहा हूँ मैं, सेटी हुंडा को दे रहा हूँ, लास्ट चेक है मेरा 20,000 का दे रहा हूँ मैं, एडजस्टमेंट किया, और एक्सिस बैंक का लास्ट चेक दे रहा हूँ। चेक नंबर बदलना चाहूँ तो बदल भी सकता हूँ, ये देखिए 9 मंथ का है 1 सितंबर का, इश्यू डेट वही आएगी हमेशा जिस तारीख को आपने फाइनेंस के चेक बना के दिए, और दिस इज माय लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ टू व्हीलर, मैंने नॉलेज के लिए लिखा। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि पार्टी को जिस कंपनी से आपने गाड़ी बाइक परचेस करी थी उस कंपनी को आपने पोस्ट डेटेड में जाके देखिए, एक्सिस बैंक की चेक की सीरीज जाके आप देखेंगे तो फर्स्ट चेक है मेरे पास मई का दिया हुआ है, सेकंड चेक मैंने जुलाई का दिया है, और 3rd चेक जो है मैंने सितंबर का दिया है। मतलब ये मेरे 3 PDC चेक आपको देखिए इश्यू किए गए हैं बट अभी तक ये उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट डेटेड समरी। अब मेरे मुझे एक मैसेज आया मोबाइल पे 1 मई को कि आपके अकाउंट में से 20,000 रुपया सेटी हुंडा को जा चुका है, तो मैं उस एंट्री पे जाकर एंटर करूंगा। और जिस डेट को भी अकाउंट में पैसा गया, मान लीजिए मैंने 1 अप्रैल का चेक दिया था, 10 अप्रैल को आएगा तो मैं 10 तारीख डाल दूंगा,
एंटर एंटर किया आपके अकाउंट में से वो पैसा निकल गया। तो पहले पीडीसी का जो चेक था पोस्ट डेटेड दिया गया था, जिस कंपनी को चेक दिया था सेटी होंडा को, उन्होंने अकाउंट में लगा दिया चेक और मेरे अकाउंट से पैसा निकल चुका है। नेक्स्ट में चलते हैं, फिर एक चेक और दिया हुआ है मैंने सेटी होंडा को एक्सिस बैंक का 1 जुलाई का, इसका भी पैसा निकल गया, ये भी चेक उसका पास हो गया, तो मैं इसको भी करंट कर दूंगा। तो जिस डेट को आपका अकाउंट आप में से पैसा डिडक्ट हो जाएगा, उस डेट को मैं जाऊंगा और उस डेट को मैं एंटर एंटर करके आ जाऊंगा। याद रखिएगा हमेशा जिस तारीख को आपका चेक इश्यू होता है वो डेट अलग होती है, जो पीडीसी डेट डाल के दिया वो एक अलग होती है, और अगर मैंने किसी पार्टी को 1 सितंबर का चेक दिया, अगर 10 दिन बाद उसका पैसा बैंक में से निकलेगा तो वो 10 तारीख आ जाएगी, बट अभी तो मैंने यहाँ पर जो दिया है करंट करके मैं आ जाता हूँ। तो कुल मिला के मेरे जो 3 पीडीसी दिए थे, आप पीछे जाकर देखो, चेक रजिस्टर में जाओ, आपके पास 22 चेक्स अवेलेबल है 25 में से। जैसे हम यहाँ पर जाएंगे ये आ जाएगा फर्स्ट चेक, फिर एक सेकेंड 7 नंबर का चेक, और फिर ये 9, ये 3 चेक मैंने अभी दे चुका हूँ सेटी होंडा को। 60,000 की गाड़ी परचेज करी थी तो मैंने 3 पीडीसी दिए, बट अभी ये पैसा मेरे अकाउंट में से निकल चुका है, तो और अभी इनका मैच मैंने अपनी पासबुक से मेरे बैंक स्टेटमेंट से मैच नहीं किया, इसलिए यहाँ पर अनकाउंसिल्ड लिखा हुआ आएगा। तो इस तरीके से आपने चेक रजिस्टर डिटेल देखी, पोस्ट डिटेल देखी, पीडीसी के बारे में डिपॉजिट बताया। अब अपन चलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन क्या होता है, इसे बोला जाता है अकाउंट की भाषा में BRS। क्या होता है, हमारी डेट अलग होती और बैंक की डेट अलग होती। कैसे, देखिए मैं 1 अप्रैल को गया, मैंने बैंक में पैसा जमा किया, पर बैंक ने मेरे अकाउंट में 2 अप्रैल को डेबिट या क्रेडिट किया, तो यहाँ 2 तारीख डालूंगा, ये बैंक डेट है। मेरे पास बैंक का स्टेटमेंट आया, याद रखिएगा जब भी आप जॉब करने जाए तो आपको कंपनी क्या दे देगी, बैंक का स्टेटमेंट दे देगी, और उसके बाद आपको रिकाउंसिल कैसे करना है पूरे एंट्री करने के बाद। अभी राज ऑटो पार्ट्स खरगोन वाली पार्टी ने मुझे एडवांस 1 अप्रैल का चेक दिया था, मैंने 1 महीना अपने घर पे रख के रखा, तो अब ये मेरा चेक 1 मई को उसके अकाउंट में से पैसा डिडक्ट हुआ। फिर सेटी हुंडा को मैंने 1 मई का चेक दिया था, उन्होंने सेकेंड डेज को ही यहाँ पर बैंक में लगा दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा। सेकेंड चेक 1 जुलाई का था, वो भी उन्होंने 2 जुलाई को लगा दिया, और लास्ट 1 सितंबर का चेक दिया था, उन्होंने 1 सितंबर को ही पैसा विड्रॉल किया। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी पार्टी को अगर आप चेक डेट डाल के देते हो चेक, तो उस चेक की जो वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ होती है। जिस अगर आपको किसी को आपने चेक दिया और उस पर डेट नहीं डाली, तो वो कभी भी उस पर डेट डाल के उसे कभी भी यूज कर सकता है। अदरवाइज आप क्या करें कि किसी पार्टी को चेक दे रहे हैं तो 3 मंथ का लीजिए भी, तो आपको याद रहेगा 3 महीने के अंदर आपको उसको विड्रॉ करना या पेमेंट करना, कि वो डेट याद रहेगी आपको। इस तरीके से ये बैंक रिकॉन्सिलेशन हुआ। अब हुआ क्या, मेरे हाथ गलती से मैंने हिंदुस्तान अभिकरण को या फिर सेटी हुंडा को एक चेक गलती से 50,000 का बना के दे दिया। ये देखिए अभी मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कैंसल चेक क्या होता है, ये चेक दे दिया। अब क्या हुआ, 2-3-4 दिन बाद वो कंपनी ने वो चेक हमें वापस भिजवाया और बोला कि गलती से आपने चेक दे दिया था। तो ऐसी कंडीशन पे उस चेक को कैंसिल कैसे किया जाता है, इसके लिए आप बैंकिंग में जाइएगा। बैंकिंग में आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा चेक रजिस्टर, चेक रजिस्टर में आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, ये देखिए एक चेक जो गलती से आपने दे दिया 50,000 का, उसका चेक नंबर था 4x0010। अब इस चेक को यहाँ जाकर एंटर करेंगे और इसे यहाँ पर हम कैंसल वाउचर बटन दबाकर जैसे हम यस करेंगे तो आपके चेक के सामने कैंसल्ड चेक लिखा हुआ आ जाएगा। तो हम इस तरीके से किसी भी पार्टी के चेक को कैंसल भी कर सकते हैं। और अभी जैसे मैंने अपने चेक को रिकॉन्सिल किए, तो देखिए बैंक रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है आपके और बैंक के बीच में होने वाले ट्रांजेक्शन को आपके बैंक स्टेटमेंट आपकी पासबुक से मैच करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन। तो हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन हुआ, हमने कितनी बार डिपॉजिट किया, अगर आपको यहाँ वैल्यू नहीं दिखाई दे तो हर बार पीरियड बटन दबाना,
स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ भी आ जाएगा। पोस्ट डेटेड में जाएंगे, देखिए हमारे सारे चेक क्लियर हो चुके हैं तो इस तरीके से। हाँ, यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने किसी को चेक दिए थे पीडीसी, अगर मैं अपनी उस गाड़ी को किसी कस्टमर को बेच देता हूँ और अगर वो कंपनी भी मुझे चेक देगी पीडीसी, तो मैं किसी कस्टमर के चेक को पीडीसी की एंट्री कैसे करना? सेम पेमेंट पीडीसी के जैसे ही अपोजिट होगी। जैसे मैंने रिसिप्ट बटन दबाया, अब उसके बाद मैं पोस्ट डेटेड बटन दबाऊंगा और मान लीजिए मैंने इस गाड़ी को किसी को बेचा है, तो मैं क्या करूंगा, जिसको बेचा, सागर ऑटोमोबाइल को मैंने बेचा, ये मेरे डेटर्स है, इनको गाड़ी बेची थी, तो इन्होंने पूरा 60,000 रुपीज का एक पीडीसी मुझे दे दिया, उसका चेक मैंने बैंक में जमा किया। यहां पर आ जाएगा उनका चेक नंबर क्या है, कौन सी डेट का चेक दिया उन्होंने, 1 जनवरी 2000 या 1/11, जो भी डेट डलेगी वो मैंने यहां पर आपके सामने डाल दिया, 2023। कौन सी बैंक का सामने वाले ने चेक देख दिया, तो मान लीजिए उसने बंधन बैंक का चेक दिया, तो बंधन बैंक लिख दिया। ओके, अगर किस तारीख को उसने बना के दिया, मान लीजिए उसने जो चेक दिया 1/9/2023 को दिया, 1/9 को उसने चेक बनाया, चेक के ऊपर 1 दिसंबर डेट डाली और ये मेरे भी फाइनेंस की आ गई। भाई मैंने क्या करा, जैसे मुझे सिटी हुंडा ने फाइनेंस करी थी, वैसे मैंने अपने कस्टमर को फाइनेंस करी। अगर दोनों समय अगर पीडीसी देखना चाहते हो तो आप बैंकिंग में जाइए, बैंकिंग में आपको मिलेगा, यहाँ पर जाएंगे तो आपको पोस्ट डेटेड में जाना, एंटर करेंगे तो हमारी एंट्रियां इस तरीके से आपको दिखाई देगी। बस आपको दो बातें ध्यान रखना है, इश्यू डेट आपको परमानेंट याद होना चाहिए और सेकंड आपको याद होना चाहिए कि आपने कौन सी डेट से कौन सी डेट तक के पीडीसी लिए दिए हैं। 1/4 से आपने यहाँ पर ले लिया 31/3/2024, तो आपको सारी की सारी डेट दिखाई देगी। और आप जब भी इस तरीके से चेक के बारे में अगर डिटेल पता करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, इधर राइट साइड में देखो चेक स्टेटस पे जाइएगा, अवेलेबल चेक कितने हैं उनकी लिस्ट बताएगा, साथ में आप जाएंगे ब्लैंक चेक कितने हैं वो बताएगा, कैंसल्ड चेक कितने हैं उसका नंबर बता देगा, ऐसी डिटेल आपको बता देगा। क्विक सर्च का मतलब होता है, अगर मुझे किसी चेक नंबर की याद नहीं है, मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि ये चेक किसी का क्लियर हुआ, अब वो किसका क्लियर हुआ हमको नहीं पता, तो जैसे हम चेक नंबर डालेंगे हमें पता चल जाएगा कि वह चेक हमने किसको दिया। अक्सर आप देखते हो कि जब भी आप किसी पार्टी को चेक इश्यू करते हैं और उनका पैसा अगर आपके अकाउंट में आया या चला गया तो आपके मोबाइल में मैसेज आता है, तो उसी प्रकार से आपको जैसे आएगा जाएगा तो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ये बैंकिंग से रिलेटेड है और ये बैंकिंग से रिलेटेड होने के कारण आप अपने बैंक का सारा की सारा अकाउंट मेंटेन कर सकते हो, स्टेटमेंट मेंटेन कर सकते हो, बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट है, इन सारी चीजों को आप टेली के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से और यहाँ तक सिस्टेमेटिक तरीके से मेंटेन कर सकते हो। हमें यहाँ एक चीज जरूर दिखाई देती है, 25 चेक्स थे, अवेलेबल 21 है, रिकॉन्सिल्ड 3 है, कैंसल 1 चेक है। तो इस प्रकार से हमारा ये बैंकिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो अभी हमने इसको क्लियर किया। याद रखिएगा कि कभी कभी हमें चेक के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, अगर सेल्फ का चेक है तो उसके कॉर्नर पे देखेंगे आप कि केवल एक कोई भी क्रॉस नहीं लगा रहता, और पीडीसी चेक अगर है और साथ में वो अकाउंट पे ही है तो उसके कॉर्नर पे अकाउंट पे ही लिखा रहता है, उसके बारे में भी हमें प्रॉपर पूरी जानकारी होना जरूरी है। तो इस तरीके से आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है।